हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RSGO24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। जो मीटिंग है वो है आरएसजी टोकन की। आरएसजी टोकन जिसे क्रिप्टो का नाम दिया गया और हम लोगों ने अगस्त महीने में इसका स्टार्टअप किया, तो आज जो हमारी मीटिंग है वो आरएसजी टोकन पे है और बहुत ही खास मीटिंग है क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त बिल लेकर के आने वाली है, रेगुलेशंस लेके आने वाली है, तो उसको हमें थोड़ा सा समझना है। तो आज बहुत सारी जानकारियां होंगी आरएसजी टोकन के बारे में भी, और जो हमारी भारत सरकार बिल लेके आ रही है उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आप लोगों के लिए खुशखबरी भी रहेगी और कुछ जानकारियां भी रहेगी। सो बस रेडी रहें, अभी 7:18 हुए हैं, जल्दी से जल्दी अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म करें ताकि आज की इस मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो जानकारियां हैं, वो जानकारियां हर व्यक्ति तक पहुंच सके। सो मिलते हैं एग्जैक्ट 7:30 आज की इस लाइव मीटिंग में, जूम मीटिंग में। सो आप लोग अपनी अपनी टीम को जल्दी से इनवाइट करें। सो डियर ओलिवर्स, 7:30 हैं और एग्जैक्ट 7:30 हम लोग आज की मीटिंग को शुरू कर रहे हैं, और आज की इस मीटिंग में मैं आप सभी लीडर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग आज इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, और कुछ लीडर्स हमारे ऐसे भी हैं जो शायद अभी नहीं जुड़ेंगे, वो आने वाले 5-10 तक सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सो कोई बात नहीं, तब तक वो भी लोग आ जाएं। वैसे तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि बहुत सारी जानकारी है और मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस चीज के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्रिप्टो, पिछले 10 से क्रिप्टो को बहुत सारे लोगों ने समझा और वहीं पे बहुत सारे लोग इसको नेगेटिविटी में भी लेते रहे कि पता नहीं क्या है, कौन सी करेंसी है, ये करेंसी है भी है कि नहीं है, कि एसेट है, कि क्या है क्या नहीं। तो पिछले 10 से जो हम जूझ रहे थे इन्हीं सभी सवालों के विषयों में, तो आज एक बहुत अच्छी पहल हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार की गवर्नमेंट करने जा इस क्रिप्टोरेगुलेशंस यानी कि एक बिल लाने वाली, जिसको इसी शीतकालीन सत्र के अंदर रखा जाने वाला है। और ये जो बिल लाने का जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले जो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, ये 29 से ये सेशन शुरू हो रहे हैं यानी कि मंडे से, और मंडे से जो है ये सारे बिल, टोटल जो बिल की बात है, टोटल 26 बिल है, और उन्हीं 26 बिल में से 10 नंबर जो बिल है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के है। बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो पूरे मेथड को समझते हैं, जो पूरे बेसिक चीजों को समझते हैं, वो सभी लोग एक्साइटेड हैं कि अगर हमारी सरकार इसके ऊपर एक अच्छे से रेगुलेशन लेके आती है, इसको रेगुलेट करती है, इसको कंट्रोल करती है, या जो भी इसके ऊपर कानून बनाती है, तो बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग पैनिक भी हो जाते हैं, जैसा कि एक्चुअल हुआ। अभी परसों शाम की ही ये बात है, परसों शाम को एक न्यूज आती है टीवी चैनल्स पे, और टीवी चैनल जो मीडिया है वो लोग एक्चुअली अभी ना तो क्रिप्टो को उतनी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और ना ही उनके पास कोई खुले तथ्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो न्यूज एक्सपोज की वो थोड़ा सा नेगेटिविटी वे में चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पैनिक हो गए, और पैनिक होने के बाद हुआ क्या, सिर्फ एक दिन यानी कि कल यानी कि परसों रात से ही पूरी इंडस्ट्री में, पूरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैनिक सेल शुरू हो गई। पैनिक सेल जब शुरू होती है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और डर और घबराहट से अपने माल को बेचना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब ज्यादा
सेलिंग आएगी किसी भी इंडस्ट्री में तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्राफ है वो डाउन आएगा, और ऐसा हुआ। परसों रात से लेके कल लगभग दोपहर तक क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्रिप्टोस, यहां तक कि बिटकॉइन भी, अथेरियम भी, और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत टूट गई थी। यहां तक कि यूएसडीटी जो एक टोकन है, और यूएसडीटी टोकन जो है वो एक स्टेबल करेंसी है, स्टेबल करेंसी, क्योंकि डॉलर्स का रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो सकता, इसको एक स्टेबल करेंसी भी माना जाता है। लेकिन कल बिल्कुल एक बहुत बड़ा भूचाल आया, और उस भूचाल में यूएसडीटी जिसका रेट लगभग 80 रुपए था INR में, अगर हम बात करें 80 रुपए के आसपास इसका डॉलर का प्राइस था, वो भी घट के 58 रुपए रह गया था, 58 रुपए, 58 रुपीज। इतनी पैनिक सेलिंग जो है वो कल हमें देखने को मिली। लेकिन क्या ये सेलिंग लगातार बनी हुई है? आज अगर आप लोग देखें, आज आप लोग अगर वजीर एक्स यूज करते हैं तो वजीर एक्स ओपन करके देखें, अगर आप बाइनांस यूज करते हैं तो बाइनांस को ओपन करके देखें, जो भी आप यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी का मार्केट देखने के लिए आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आज लगभग लगभग सारी क्रिप्टो करेंसी हरे निशान में है। बिटकॉइन ऑलरेडी लगभग $40,000 से भी नीचे या उसके आसपास एक बार आ चुका था, लेकिन उसके बाद उसने तुरंत अपने आप को रिकवर किया, और रिकवर जब किया तो वापिस कल मैं देख रहा था 57,000, लेकिन आज मैंने देखा 58,000 की बार बिटकॉइन ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि अपने रेट पे आ चुका है एक तरीके से अगर हम बात करें तो। सिर्फ एक दिन की जो ये पैनिक सेलिंग हुई है, इसमें फायदा किसका, इसमें फायदा किसका? आप लोग बोलेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने नुकसान में अपना माल बेच दिया तो फायदा किसका होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, ऐसा बहुत सारे लोगों, और यही इस इंडस्ट्री के अंदर होता है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, अगर हम इक्विटी, अगर हम कॉमोडिटी, या हम किसी भी मार्केट को अगर देखें तो होता यही है। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज बेच रहा है, खास करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कॉमोडिटी हो, या फिर फॉरेक्स हो, और या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, जब कोई बेच रहा है तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि उस समय कोई ना कोई उसको खरीद रहा है। अगर आप बेच रहे हैं तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति कहीं बैठा है जो आप जिस रेट पे बेच रहे हैं उसी रेट के ऊपर वो व्यक्ति उसको बाय कर रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि आप पैनिक में, आप डरे हुए, और वो खरीद इसलिए रहा है क्योंकि उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही, अपॉर्चुनिटी। वो बोल रहा है कि बिटकॉइन ऑलरेडी 60 लाख रुपए का था, लेकिन अभी ये बिटकॉइन मुझे 45 लाख रुपए में मिल रहा है तो मैं क्यों ना खरीदूं, 15 लाख रुपए कम रेट पे मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो मौका है ये। सो मैं वही कह रहा हूं कि इस पैनिक सेशन के अंदर, इस जो एक दिन का जो पैनिक सेशन हुआ है, इस पैनिक सेशन के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो लोग घबरा जाते हैं जल्दी, जो लोग डर जाते हैं, वो लोग कमा नहीं पाते, ये चीज हमेशा याद रखें। हमें सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी, बेसिक चीजों को अगर हम स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ लेंगे तो उस बिल्डिंग को हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। कोई भी न्यूज अगर आती है तो हम लोग क्या करते हैं, खास करके अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं, उस खबर की कोई रिसर्च नहीं करते, उसकी कोई एनालिसिस नहीं करते, और बस ताबड़तोड़ होकर के पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उसको बेचना शुरू कर देते हैं, उसमें से एग्जिट होना शुरू कर देते हैं। और यही बड़े प्लेयर्स, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो चाहते भी यही, वो यही चाहते हैं कि आप अपना माल सस्ते में बेचो ताकि हम उसे खरीद पाए, आप अपना माल
सस्ते में खरीदो सॉरी बेचो ताकि हम लोग खरीद पाए, क्योंकि हमें फायदा लेना है। ये बड़े प्लेयर्स जितने होते हैं वो सब लोग यही सोचते, सिंपल। सो आप सभी लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, आज हम कुछ तथ्यों पे बात करेंगे, न्यूज पे बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी आज की इस मीटिंग के अंदर। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग में से अगर कुछ लोग पैनिक हैं, अगर कुछ लोग परेशान हैं इस न्यूज को लेकर के कि क्या होगा, किस तरीके का बिल आएगा और सरकार क्या करेगी, और जो भी सरकार करेगी जब ये बिल बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, और अगर बैन हो जाती है तो हमारा क्या होगा, यहां तक कि आरएनजी टोकन का क्या होगा, आप लोग अभी आरएनजी टोकन में एंट्रीज ले रहे हैं तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा आप सभी लीडर्स को। सो आप लोग बस बने रहें मीटिंग में और ध्यान से सभी चीजों को समझने की कोशिश करें। और अगर आपके पास अगर कॉपी पेन है तो एक बार कॉपी पेन भी आप उठा लीजिए, और जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये पॉइंट नोट करने वाला है तो उसे नोट भी जरूर करें। सो हम लोग शुरू करेंगे आज की इस मीटिंग को और मैं आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम पहले देखते हैं कि आखिर बिल किस चीज के ऊपर बन रहा है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूज तो देखी होगी तो न्यूज में टीवी में भी दिखा दिया, 10 नंबर आर्टिकल जो है 10 नंबर के अंदर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि 2021 के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम लोग बिल लिख गया। बिल में क्या लिखा है वहां पे कुछ 2-3 लाइनें लिखी हुई है, मतलब डिस्क्रिप्शन जो होती है पूरा जो बिल है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है वो तो बिल के अंदर की बातें हैं, जब वो सदन चलेगा उस सदन के अंदर वहां पे रखी जाएंगी बातें, वो तो तब खुल के आएंगी बातें। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था उस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ, उसके अंदर अगर टोटल देखें तो 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट, पहला पॉइंट मैं आपको बिल्कुल हिंदी में ही बताऊंगा। पहला पॉइंट ये था कि इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर अपने देश का खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पहला कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आरबीआई ऑलरेडी डिजिटल करेंसी, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए वर्डिंग पे भी हमें जाना होगा समझना होगा, गवर्नमेंट ने बोला डिजिटल करेंसी नॉट क्रिप्टो करेंसी, ये चीज समझने वाली है। आरबीआई जो करेंसी लेके आ रही है वो एक डिजिटल करेंसी लेकर के आ रही है, नॉट अ क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है, बहुत फर्क है साहब। डिजिटल करेंसी क्या होती है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसको मैं बिल्कुल संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जैसे कि आज से कुछ सालों पहले कैश का ही चलन था, नोट हुआ करते थे बहुत सारे, आज भी होते हैं लेकिन आज धीरे धीरे करके नोट कम हो रहे हैं, तो नोटों का ही चलन होता था, आपको जो भी लेन देन होता था नोटों से करना पड़ता था, गवर्नमेंट को ये नोट छापने पड़ते थे, इसको सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता था, बैंकिंग सिस्टम बनाना पड़ता था, बहुत सारा पैसा इसके ऊपर एक्सपेंस होता था और बहुत सारी मैन पावर भी लगती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आने के बाद में धीरे धीरे करके ये वॉलेट का रूप लेने लगा, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट, इस तरीके से ये चीजें चलने लगी। और जब नोटबंदी हुई तो उस समय तो बिल्कुल पेटीएम ने पूरा माहौल बना दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि अब वॉलेट ही चलेगा, एक आईडी से दूसरी आईडी में वॉलेट ट्रांसफर हो जाता है, मुझे सब्जी खरीदनी है मैंने उसको वॉलेट दे दिया और उससे सब्जी ले ली, यानी कि डिजिटल हो गए हम धीरे धीरे करके। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें थर्ड पार्टी जो थी वो वर्कआउट आ गई, यानी कि थर्ड पार्टी बीच में आ गई। करेंसी किसकी है, गवर्नमेंट की, करेंसी एक्चुअल में है किसकी, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने बनाया उस करेंसी को, लेकिन इस गवर्नमेंट की करेंसी को जो लोगों को लेन देन करने का जो माध्यम बन रहे हैं वो कौन है, वो थर्ड पार्टीज हैं। थर्ड पार्टीज जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भी बहुत सारे ऐप जो यूपीआई या वॉलेट सिस्टम से अपने वॉलेट्स को चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि इसके अंदर भी अभी भी
कोई लफड़ा हो सकता है, कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर कोई घोटाला भी हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग एक अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़िया सिस्टम से इस पूरी करेंसी को, जो हिंदुस्तान की करेंसी है, जो हिंदुस्तान के रुपए हैं, इन सभी रुपए को डिजिटल कर दें। तो बिल्कुल उसको डिजिटल करने के लिए आरबीआई इस पे वर्क कर रहा है। तो एक रुपए की कीमत यहाँ पे एक रुपया ही रहेगी, क्योंकि ये करेंसी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जेब में 500 रुपए का नोट है, तो इसकी वैल्यू हिंदुस्तान के अंदर 500 रुपए ही रहेगी, कभी भी 499 या 501 रुपए नहीं होगी। ये 500 है तो 500 ही रहेगी। ओके, तो सेम उसी तरीके से जो डिजिटल करेंसी ई रुपया जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, डिजिटल करेंसी आरबीआई, वो क्या है, वो एक डिजिटल फॉर्म में रहेगी। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जैसे आपको डिजिट दिखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ है, आप उसको मोबाइल पे ट्रांसफर कर लेंगे और आप उसी 1 लाख में से किसी को भी ट्रांसफर करना है, किसी को भेजना है, किसी को देना है, कोई सामान खरीदना है, ये सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे। यहां तक कि क्रॉस द बॉर्डर यानी कि अदर कंट्रीज के अंदर भी आप उस पैसे को 1 सेकंड के अंदर भेज पाएंगे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं। अभी अगर हमें अदर कंट्रीज पैसा भेजना है तो उसके लिए स्विफ्ट करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ता है, उसके अंदर फीस भी लगती है और समय भी लगता है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी आने के बाद ये बहुत ही इजी वर्क हो जाएगा और ये सारे की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के नजरों में भी रहेंगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई इसमें धोखाधड़ी कर सकता है। अब इस डिजिटल करेंसी को बनाने के लिए आरबीआई जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि वो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन ही यूज कर रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे 100% सिक्योरिटी है। क्योंकि जब डिजिटल का नाम आता है, इंटरनेट का नाम आता है, तो जहां इसकी खूबियां हैं वहां पे इसके बहुत सारे माइनस पॉइंट भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग साइबर क्राइम करते हैं, हैकिंग करते हैं, तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लेके आए और कोई हैकर या कोई हैकिंग करने वाली संस्था और उसको हैक कर ले और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस पूरे सिस्टम को ब्लॉकचेन पे ही लेके आ रही है। गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि क्रिप्टो करेंसी का जो ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी पे सिर्फ आरबीआई काम नहीं कर रही, इस टेक्नोलॉजी पे पूरी गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ सिस्टम हो, और भी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं। सो पहली चीज तो डिजिटल करेंसी क्या होती है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वर्ड है, एटलीस्ट को करेंसी का नाम दिया गया है, लेकिन बहुत सारे जो एनालिसिस है और बहुत सारे जो इसके ज्ञाता हैं, जो इसको समझते हैं, वो भी समझते हैं इस चीज को कि इसका नाम करेंसी नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है किसी चीज की और उसका कुछ नाम रख दिया जाता है तो वो नाम पक जाता है जुबान पे, है ना, मतलब कि बार बार उसी चीज का नाम आता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्रिप्टो जो है वो एक एसेट है। एसेट करेंसी में और एसेट में फर्क होता है। तो क्रिप्टो जो का जो प्राइस होता है वो, और वो बढ़ भी सकता है। सबसे जो इसको डिफरेंट करता है डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी के अंदर मान लीजिए आपके मोबाइल ऐप के ऊपर आपके पास 1,000 रुपया डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ है, ओके, और 1,000 रुपए का ही आपके पास बिटकॉइन भी रखा हुआ है किसी दूसरे एप्लीकेशन। जो आपका डिजिटल करेंसी में 1,000 रुपया रखा है वो 1,000 से 1,001 नहीं होगा और 999 भी नहीं होगा। लेकिन जो 1,000 रुपए का बिटकॉइन है वो क्योंकि एक एसेट है वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है। ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्चुअल में एक एसेट है, जिसको हम एसेट का नाम है। ओके, तो ये पहली चीज जो गवर्नमेंट ने अपने बिल के अंदर रखी थी, उसने बताया कि हम लोग एक डिजिटल करेंसी जो है वो लेके आने वाले हैं, इसके ऊपर काम करेंगे, और गवर्नमेंट जब इसके ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रजामंदी कर देगा, सारी चीजें हो जाएंगी जो भी संसद की होती है, पार्लियामेंट की होती है, तो जब अप्रूवल मिल जाएगा, बिल पास हो जाएगा, तो गवर्नमेंट इसको
वर्कआउट में ले आएगी और इसके ऊपर एक पूरा बॉडी बनेगी और बॉडी बनके ये सारी चीजें तैयार होकर के ये रेगुलेटर को पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो बिल के अंदर लिखा गया वो सबसे एक पैनिक पॉइंट है जिसको लेकर के लोग घबरा रहे, और वहां पे लिखा गया कि ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। ये जो एक लाइन है इस लाइन की वजह से ही पैनिक का माहौल बना, ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन हो गई। अब यहां पे जो ये लाइन लिखी है इस लाइन का एक्चुअल में अगर बताऊं तो अभी तक 99% इस लाइन का मतलब शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को पता है। अभी तक किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और अगर कोई प्राइवेट होती है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी होगा, यानी कि इसका कोई विपरीत, यानी कि कोई पब्लिक या फिर कोई गवर्नमेंटी क्रिप्टो भी होती है क्या, मतलब क्रिप्टो भी क्या दो तरीके की होती है, प्राइवेट और अदर, तो ये क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च थोड़ा सा किया तो मुझे जो निकल के आया और मेरा जो अपना एक माइंड सेटअप जो मुझे बताता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो मैंने जो सीखा है क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास एक वॉलेट होता है, एक वॉलेट एड्रेस, और एक वॉलेट एड्रेस से किसी दूसरे वॉलेट एड्रेस पे पैसा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको सिंपल सा समझे कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, आपका भी एक एड्रेस है, इस व्यक्ति का भी एक एड्रेस है, आपने चाहे बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो इस व्यक्ति को ट्रांसफर करी, बी ने मान लीजिए सी को ट्रांसफर करी, और सी ने मान लीजिए डी को ट्रांसफर करी, और डी ने वापस मान लीजिए ए को भी ट्रांसफर करी। ठीक है, तो जो ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो ये कैसे दिखती है हमें, ये हमें दिखती है सिर्फ एक वॉलेट के माध्यम से कि एक वॉलेट एड्रेस है जो बदला नहीं जा सकता, जो एडिट नहीं किया जा सकता, और हर वॉलेट एड्रेस पे हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक हैश भी बनता है। अगर आपको मालूम हो, ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये हैश बनता है, और ये हैश जो है ये भी बदला नहीं जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, सारा का सारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे चलता है, तो इसको हैक भी नहीं किया जा सकता, सिंपल है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स 99% अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन पब्लिकली होती हैं, सिर्फ 1% ही कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो प्राइवेट होती, प्राइवेट यानी के हिडन। तो बहुत सारे विशेषज्ञ भी इस ओर इशारा कर रहे हैं, और मैं भी जो रिसर्च करने के बाद जो मुझे भी लगा वो यही लगा कि जो प्राइवेट क्रिप्टो का नाम यहाँ पे लिया गया वो इस 1% जो क्रिप्टोज हैं कुछ जो अपनी ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री किसी को शो नहीं होने देती, यानी कि अगर ए ने बी को पैसा भेजा है, कोई क्रिप्टो भेजी है, तो इसकी जो एंट्री हुई है, जो पब्लिकली ट्रांसफर्स होते हैं, पब्लिकली जो होता है, तो पूरी दुनिया इस ट्रांजेक्शन को देख सकती है कि ए ने बी को कितना पैसा कब भेजा, पैसा बोले या बोले इसको क्रिप्टो कह लीजिए, कि कितना क्रिप्टो किस व्यक्ति को कब भेजा, और ये रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहता है डेटा सेंटर, और डेटा सेंटर कौन सा है, ब्लॉकचेन, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, और ये सिर्फ किसी एक कंप्यूटर में सेव नहीं है, हजारों लाखों कंप्यूटर्स के अंदर ये हिस्ट्री जो है वो सेव है कि ए ने बी को पैसा भेजा है, क्रिप्टो भेजी है। तो ये 99% जो पब्लिकली है, जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, और बीएनबी है, बहुत सारी करेंसीज हैं, मैक्सिमम सारी करेंसी पब्लिकली ही है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शंस आप कभी भी लाइव देख सकते हो। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कोई टोकन है या फिर कोई कॉइन है, मान लीजिए बीएनबी है या रिपल है,
आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एथेरियम के एक वेबसाइट है जिसका नाम है ईथर स्कैन, आप स्कैन पे हैं, एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, सारी डिटेल आ जाती है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या चार्ट चल रहा है, कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर वो ट्रेड हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप वहां पे देखेंगे उसकी ट्रांजेक्शंस पूरी दुनिया में किस एड्रेस से किस एड्रेस पे कितना एथेरियम भेजा गया, कहां से वापस आया, क्या क्या हुआ, एक सेकंड पहले क्या हुआ, पांच सेकंड पहले क्या हुआ, दस सेकंड पहले क्या हुआ, पूरी हिस्ट्री जो है अवेलेबल है, पूरी की पूरी हिस्ट्री। तो इसको कहते हैं पब्लिकली। लेकिन कुछ टोकन हैं जो अपनी इस ट्रांजेक्शंस को कहीं पे भी शो नहीं करते, तो ये प्राइवेट करेंसीज हो सकती हैं। अभी फिलहाल 6-7 करेंसियां मुझे मालूम है, 6-7 करेंसियां हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, वो अलग हो जाएगा मैडम। तो कुछ करेंसियां हैं जो प्राइवेट में आती है, वो अपने ट्रांजेक्शन को हिडन रखती हैं, पब्लिकली नहीं करती हैं, बताती नहीं है कि ये पैसा या ये क्रिप्टो कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है। तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं या जो ट्रांजेक्शंस हैं जो हिडन हैं, ये धोखाधड़ी, आतंकवाद या फिर हवाला वगैरह जैसे कुछ कामों में इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इन करेंसीज को बैन किया जा सकता है। ओके, तो एक ऑप्शन तो पहले ये निकल, क्लियर। तीसरी लाइन के ऊपर अगर हम जाएं तो तीसरा पॉइंट बिल के अंदर लिखा है कि कुछ ग्रे लाइंस दे करके, यानी कि एक तरीके से कुछ छूट दे करके या कुछ सिस्टम बना के या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके उनको बैन होने से रोका भी जा सकता है, उसको यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट हैं जिस पॉइंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर बात की, लेकिन लोगों ने इसको पूरा ना तो पढ़ा ना इसकी रिसर्च निकाली और सिर्फ एक लाइन कि प्राइवेट करेंसीज बैन, इसके ऊपर होकर के लोग पैनिक हो गए और जितने भी लोग ट्रेडिंग करने वाले लोग थे उसमें से मैक्सिमम लोग घबरा गए और उन्होंने अपनी क्रिप्टो बेचनी शुरू कर दी। पैनिक सेल आया, एक भारी सेल आया और जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई। लेकिन वहीं पे मैंने कहा ना कि ये तो लोग पैनिक हो गए, मार्केट डाउन आ गई, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों की आंखें गड़ी हुई थी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की और उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने नीचे जाके बाइंग की। और जब नीचे उन्होंने बाइंग की तो आज सिर्फ एक दिन की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में वापस वो अपने लेवल पे आ चुका है, बल्कि प्लस में। अगर मैं यूएसडीटी की ही बात करूं तो यूएसडीटी का मैंने जैसे बताया कि 58 रुपए का प्राइस आ चुका है, 58 रुपीज कल की बात है, लेकिन आज वापस से वो लगभग 76 रुपए के आसपास आ चुका है। तो कहने का भाव क्या है, कहने का भाव यह है कि कभी भी पैनिक होकर के आपको क्रिप्टो करेंसी में खास करके कोई भी काम नहीं करना है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही धैर्य और बहुत ही सोच समझ की जरूरत है। तो ये पहला पॉइंट जो गवर्नमेंट बिल लेकर के आ रही है उसके ऊपर की बात। अब हम बात करते हैं क्या गवर्नमेंट किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकती है क्या, एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी और अगर बैन करती भी है बाय चांस तो उसमें क्या हो सकता है, इस चीज को सवाल को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर अच्छा ठीक है सर सारी चीजें ठीक है, लेकिन 1% अगर मान लो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर ही दिया तो है ना, तो क्या हो? तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है मार्केट में घूम रहा है। बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब पे देखिए या गूगल पे देखिए या ट्विटर पे देखिए, बहुत तरीके के सवाल ऐसे आ रहे हैं। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, ये क्लियर हो चुका है। क्योंकि एक चीज और आपको बता दूं जो बहुत मेजर पॉइंट आ रहा है निकल के, ये न्यूज दी थी न्यूज 18 ने, जब बहुत सारे चैनल्स बहुत नेगेटिव न्यूज दे रहे थे तो काफी पैनिक होने के बाद लास्ट में जाकर के न्यूज 18 ने आकर के एक खबर दी और उस खबर से बहुत लोगों को हौसला मिला और बहुत ही अच्छी खबर उन्होंने दी और बहुत अच्छे से निकाल के दी। उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट सोर्सेज से पता चला है
क्योंकि जो भी मीडिया वाले होते हैं इनके सोर्सेज होते हैं, जिसको हिंदी में सूत्र कहा जाता है, कि सूत्रों के हवाले से, है ना, सुना होगा आपने। तो गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ही उनको पता चला कि जो बिल था, इस बिल के अंदर जो वर्डिंग्स लिखे हुए थे, 10 नंबर आर्टिकल, 10 नंबर जो पॉइंट था उसमें, बिल का नाम था और उसके बाद में बिल की डिस्क्रिप्शन थी। तो ये जो बिल का नाम और ये डिस्क्रिप्शन थी, ये पुरानी थी। पुरानी इन द सेंस कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, तो ऑलरेडी 2018 के अंदर भी क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर बिल बनाने की बात हुई थी। गवर्नमेंट ने पहले इसको बैन करने की बात की थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन नहीं कर सकते ये बोलकर के हवाला दिया था और इसके ऊपर से बैन हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद बिल जो लाने की बात थी, वहां पे वो उस समय का जो पेपर्स थे जहां पे वो बिल का नाम और बिल का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो अभी जो आज 2022 आने वाला है ना, तो 2021 चल रहा है, यानी कि लगभग इस बात को हो गए हैं 3 साल, 2.5-3 साल। तो इन 2.5-3 सालों के बाद किया जा रहा है, तो ये जो पुराने बिल में जो लिखा हुआ था वही सेम कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है। तो इन बातों पे ना जाएं, क्योंकि इन 2.5-3 सालों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। गवर्नमेंट्स और जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस के ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनके साथ, और जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ, आरबीआई के जो मेन मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के कई बार मीटिंग्स हो चुकी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता, ऐसी भी स्टेटमेंट्स आई हैं। तो इन 2-2.5 सालों के अंदर बहुत कुछ चीजें आई हैं। गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन को सराहना दी है, ब्लॉकचेन का एक जो है मतलब निकल के आई है बात कि ब्लॉकचेन जो है बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर गवर्नमेंट भी अब काम कर रही है। तो इन 2-2.5 सालों के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, वो वहां पे कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। और लेकिन अब असली चीजें जो है वो जब सदन शुरू होगा तो वहां पे वो चीजें निकल के आएंगी, सारी की सारी चीजें क्या। लेकिन इतना कंफर्म है कि कोई भी क्रिप्टो बैन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजें बहुत सारी बताई जा रही है। हाँ, इसको रेगुलेट किया जाए। आज भी एक न्यूज निकल के आई है, आज भी कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो इस पे नियंत्रण कैसे किया, ओके। तो अब नियंत्रण करने की अगर बात कर रहे हैं तो इसको पहले भी थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक ढांचे को समझना पड़ेगा। बेसिक ढांचा क्या, आखिर क्रिप्टो क्या है, कैसे बनती है, क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे रेट ऊपर जाता है, कैसे रेट समझनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट से भी तेज है और इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि इसको हैक करना नामुमकिन है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो जाता है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स। बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी शायद 1990 के आसपास जो है वो तैयार किया गया था, ढूंढा गया था, इस पे काम हुआ था। लेकिन असल में ये 2008 के आसपास पहली बार यूज हुई, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और वो भी किस चीज के लिए, बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन को बनाया गया सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और बिटकॉइन जो है धीरे धीरे प्रचलन में है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो ब्लॉकचेन है ये एक टेक्नोलॉजी है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, ठीक है। अब चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो एथेरियम हो, चाहे वो बीएनबी हो, चाहे कोई भी। तो
तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर जब कोई क्रिप्टो बनती है तो उसको नाम दे दिया जाता है, या तो कॉइन का और या फिर टोकन का। ओके, तो इसको ये नाम दिया जाता है कॉइन या टोकन। अब ये कॉइन या टोकन जब बनता है, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को उठा के देखें तो हर क्रिप्टो करेंसी का एक व्हाइट पेपर होता है। व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर क्या कि जो इस क्रिप्टो को क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एलियंस है हवा में आगे उड़ के, कोई चीज है तो किसी ना किसी ने बनाई है। बिटकॉइन भी किसी ने बनाया है, वो बात अलग है कि बिटकॉइन को बनाने वाला व्यक्ति सामने नहीं। ओके, लेकिन अदरवाइज बाकी हम क्रिप्टोस की बात करें तो बहुत सारे क्रिप्टो हैं जिनके जो फाउंडर हैं, जिनके जो क्रिएटर हैं, वो बिल्कुल सामने हैं। इथर, इथर यानी कि एथेरियम है, उसका जो फाउंडर है वो बिल्कुल सामने है, वो बताते हैं कि हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट है, हम क्या करने वाले हैं। तो जो व्हाइट पेपर होता है ये डिसाइड करता है कि जो क्रिएटर है क्रिप्टो को बनाने वाला, उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है, सोच रहा है, या वो एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है और वो एक संस्था भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, 10 लोगों का मिलाकर के समूह भी हो सकता है, 50 लोगों को मिलाकर समूह भी हो सकता है उस टोकन या कॉइन को क्रिएट करने में। अब वो क्या करते हैं, वो पूरी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, समझिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप हैं और मैं हूं और हम लोग आपस में कोई डील करते हैं, और कोई डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न एग्रीमेंट हो रहा है वो वर्चुअल, सॉरी फिजिकल हो रहा है, लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये डिजिटल के रूप में होता है। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस व्हाइट पेपर के आधार पे और सारी टेक्नोलॉजी के आधार पे, पूरे सिस्टम के आधार पे, कि जो उस कॉइन या टोकन का क्रिएटर है वो क्या करने जा रहा है, वो इस टोकन को या इस कॉइन को क्यों क्रिएट कर रहा है, व्हाई, इसका एक पूरा रोड मैप, पूरा का पूरा एक रोड मैप बनाया जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है और उसके ऊपर व्हाइट पेपर पूरा तैयार होता है, तब जाके बनता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फिर ये पूरा डिजाइन हो जाता है। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सबसे जो बड़ी बात है, बड़ी खास बात है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी का भी एक तो अधिकार नहीं है, बना तो दिया मैंने या किसी ने भी, लेकिन वो इसका ओनर नहीं है, वो इसका मालिक नहीं है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बदला नहीं जा सकता, ये फिक्स है, एक बार हो गया तो ये फिक्स है। सो अब जो भी क्रिप्टो करेंसी आती है मार्केट में या जो है ऑलरेडी, तो ये एक व्हाइट पेपर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख गया। व्हाइट पेपर के अंदर पूरा एक रोडमैप होता है कि कंपनी क्या करने जा रही है। जैसे आप लोगों ने NFT का नाम अभी सुना होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, वैसे ही आपने अभी कुछ ही हाल फिलहाल में कुछ और चीजें सुनी होगी, मेटावर्स एक नया शब्द है, नया तो नहीं है, मतलब वैसे है पुराना शब्द, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मेटावर्स एक्चुअल में है क्या। मेटावर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे टोकन, बहुत सारे कॉइन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी हाल फिलहाल में ही फेसबुक, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है, फेसबुक ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम लोग मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप लोग अभी फेसबुक अपना ओपन करेंगे मोबाइल पे, तो आपको वहां पे नीचे मेटा लिखा हुआ नजर आएगा, मेटा। तो फेसबुक जो है वो अब मेटा हो गया है, मेटावर्स। तो ये क्या है, नई नई जो है वो पूरी दुनिया में आ रही है। और मैं जैसा अगली बार बोलता हूं कि 2025 के बाद ये पूरी दुनिया जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए, बहुत चेंजेस हो जाएंगे, बहुत बदलाव आ जाएंगे 2025 के बाद। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप नहीं बदले, इस टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं आगे बढ़ेगा, समय के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो व्यक्ति बहुत पीछे रह जाएगा, फेल हो जाएगा, मैं कहता हूं मार्केट से ही आउट हो जाएगा, खत्म।
तो टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सब लोगों को बदलना बहुत जरूरी है। सो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अब मेटावर्स के ऊपर आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट मास लेके आ रहा है और गूगल वर्चुअल लैंड लेके आ रहा है। जी हाँ, सो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अगर ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं, और वो भी किस चीज पे, ब्लॉकचेन पे ही लेके आ रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब वो चीज आएगी तो 100% क्रिप्टो यूज में आएगी, क्योंकि बिना क्रिप्टो के वो वर्क नहीं कर पाएंगे। सो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये भी अब क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं तो क्या लगता है कि कोई गवर्नमेंट इसको बैन करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था खराब लगती है कि बढ़ती हुई? क्या गवर्नमेंट को रोजगार मार्केट में अपने आप मिल रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को ये चीजें खराब लगेंगी? अगर लोग खुशहाल हो रहे हैं, अगर लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर लोग कामयाब हो रहे हैं और देश में पैसा आ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, देश का इकोनॉमिक बढ़ रहा है, तो कहां दिक्कत है? किसी भी गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कुछ और है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर गवर्नमेंट की परेशानी क्या है, उस परेशानी पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इसे समझते हैं।